मिथिलेश खुद की बैंक के भरने के लिए ये सब चोंचले करने होते ना तो फिर हो गया होता न्याल देश का। अब आप कहोगे मैं कौन होता हूँ देश को बताने वाला? नहीं, मैं कुछ नहीं होता हूँ, मैं तो एक सेकेंड ईयर में पढ़ रहा हुआ एक स्टूडेंट हूँ। पर बीत रही है वो, अरे तुमने मॉल चालू कर दिए, ठीक है, हॉस्पिटल तो वैसे चालू है, ठीक है, जरूरी है, हाँ ठीक है, पुलिस ओके ऑन ड्यूटी, मॉल चालू, सिनेमा हॉल चालू, ठीक है, कपड़ों की दुकानें चालू, खिलौनों की दुकानें चालू, ठीक है, हर एक चीज चालू, ठीक है, स्कूलें क्यों बंद है? अभी इतने वो चुनाव हुए हैं, वहां पे लोग जमा हुए, कोई किसी को कोई लेना देना नहीं, कोरोना का एक भी केस मतलब मैंने नहीं सुना। स्कूल के बच्चों को इतनी अक्ल है, साले आज के जमाने में 10वीं क्लास के छोरे सिगरेट पीते मिलते हैं रोड पे, इतनी अक्ल नहीं हुई कि स्कूल में मास्क और सैनिटाइजर लगा गया है? साला स्कूल बंद कर रखी, कॉलेज बंद कर, अरे यार मेरे खुद का रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट तो छोड़ो साला, एग्जाम का ठिकाने नहीं है, 2 साल हो गए, 2 साल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आने वाले कल का भी कुछ पता नहीं है, क्या होने वाला है, क्या बीत रहा है। और सबसे पहली बात तो ये कि साला तुमको टीचरों से क्या तकलीफ है, है? सरकार वालों तुमसे बोल रहा हूं तुमको क्या तकलीफ है, है? वेतन आधा काट दिया, ठीक है, जिसको मिल रहा था उसको मिल नहीं रहा है, आधों को स्कूलों से निकाल दिया, तो करे क्या, डूब मरे? अबे तुम्हारे घर चल रहे, हमारे घर कैसे चलेंगे? साइकोलॉजी तुम्हारी बैठ गई, हमारी तो ठीक है। नहीं, मुझे क्या पड़ी है देश की, आप लोग भी समझेंगे कि मैं मेरा फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा हूं कैमरे पे, पर यार सच्ची में यार भले तुम ये देखा मैंने कितनी भी वीडियो बना लो, कितना भी वो कर दो, प्रचार प्रसार कर दो, कितना भी ये कर दो, मतलब नहीं, दुनिया को कोई मतलब नहीं, और दुनिया तो छोड़ो सरकार को कोई मतलब नहीं, कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे जो ईमानदार से काम कर रहे हैं, सरकार होनी चाहिए, देश तो ही चलता है। 100% के अंदर से 20% अमीर, ठीक है, 30% गरीब, और बाकी बचे जो है ना 50% मिडिल क्लास लोग, और गरीबी गरीब लोग नहीं सह रहे, गरीबी सह रहे हैं मिडिल क्लास लोग जो आज पछता रहे,
अरे तुमने तो सरकारी टीचर तो छोड़ो, प्राइवेट टीचर वालों की भी धज्जियां उड़ा दी है। समझ क्या रखा है मतलब है? स्कूलें बंद, कॉलेजेस बंद, कोई नहीं बच्चों को क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं, चैन क्या चल रही है अपनी क्लासे, किस पे चल रही है? ऑनलाइन क्लासेस। मैं तो बस इतना बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ और इतना बोल रहा हूँ, सरकार वालों अगर तुम देख रहे हो, थोड़ा रहम करो, सोचो, तुम्हारी धन की पेटियां भर चुकी हैं, हमारे पास कुछ बचा कुचा आ रहा है वो आने दो। अरे माँ बाप को हमको पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है तो कपड़े, घर का राशन, ये वो कहाँ से करें? साला मेरे घर में जितनी लाइट नहीं चलती उतना तो तुम्हारा बिल आता है, भरे कहाँ से? अबे कहाँ से भरे? नौकरी तो तुम खाके बैठ गए अपनी कुर्सियों के नीचे, फ्री पोगड़िया बातें करते हैं यार। रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, इस वीडियो को थोड़ा पहुँचाओ यार। मैं सबसे बोलना चाहता हूँ, मेरे फ्रेंड्स, मेरे कलीग्स, मैंने थोड़े गंदे शब्द इसके अंदर यूज़ किए तो कोई बात नहीं, वो मेरा फ्रस्ट्रेशन था, समझ लो, पर मेरे पे बीत रही है आज, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हमारी फैमिली सर्वाइव इस तरह से कर रही है, मैं बता रहा हूँ, मेरी नहीं, आप लोगों की भी सर्वाइव ऐसे कर रही होगी। पर कोई होते हैं जिनको नहीं बोल सकते, वो अपना एक ईगो सेटिस्फेक्शन नहीं होता उनको, तो बस बोल दिया। अब जिसको गालियाँ लिखनी हो कमेंट सेक्शन में खुला छोड़ रहा हूँ, और जिसको थोड़ा प्यार दिखाना हो तो प्यार कमेंट करके मत दिखाइए, इसे शेयर करके दिखाइए प्लीज़।